हाँ नमस्कार सर कैसे हो? कैसे जी। सर ठीक है सर। रहा पेपर? सर बहुत डिफिकल्ट सर क्वेश्चन था। ठीक है गया। पहला पहला पेपर कैसा पेपर सर थोड़ा सही था था? थोड़ा सही था। जी। पहला पेपर सर सही था। सेकंड पेपर बहुत डिफिकल्ट था सर। पहला पेपर में क्या क्या आया? सर इसे था ये क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड से था और फिर कम्युनिकेशन से था रीजनिंग था मैथ था। सर वो तो सब रहेगा बेटा। टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना क्वेश्चन पूछा? लगभग सर 7-8 क्वेश्चन था। सात सात या छह होगा सर। अच्छे, 7 क्वेश्चन था। जी सर बन रहा था कि नहीं बन रहा था? जी बन रहा था सर। बनाया हुआ है सर फर्स्ट पेपर में। जी समझ सर में आ रहा था। जी सर समझ में आ रहा था सर। अच्छा मेरा तो मुझे तो पहली बार सर गए थे ना तो हमको समझ में नहीं आया कि मतलब इसमें भी मतलब लगातार सेकंड पेपर भी देना है तो मेरा ज्यादा टाइम फर्स्ट पेपर में ही चला गया है। तो अच्छा ये मैथमेटिक्स में क्या आया था? जी सर मैथमेटिक्स में एक परसेंटेज वाला आया था। अच्छा, और जी एक और आप बताए हुए थे जो डाटा देख के निकालने के लिए उसपे आधारित 5 क्वेश्चन आता है हाँ, वैसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। जी डाटा इंटरप्रिटेशन की। जी जी सर। हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन उससे आया था क्वेश्चन। अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या एवरेज एवरेज नहीं पूछा था क्या? नहीं सर एक में उसमें 5 क्वेश्चन रहता है ना हाँ, तो उसमें था कि वो कुल 3 लाख रुपए मतलब उसका आय है और अच्छा कंपनी था उसमें ब्याज था वो सब दिया हुआ था 2015 से लेकर 2019 तक दिया था और वही उसके बीच था एवरेज निकालने वाला और फिर कुल आय से मतलब कितना किसको बेनिफिट हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है उस टाइप का भी था सर। अच्छा अच्छा जी सर तो कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? जी हुआ है सर। हुआ है हुआ है। जी सर। हुआ है सर। एक्चुअली आप फोन कर रहे थे उस वक्त हम अभी तो सर घर पहुंचे पूरा भीगते हुए दम आए हैं सर। बारिश बट हो रही जी सर बहुत बारिश बहुत बारिश है? अच्छा, बहुत बारिश भीगते हुए ही गए सर। यहाँ से पटना सेंटर था। ये बताओ जब हमारे क्लास में पढ़े हो तो कुछ बेनिफिट हुआ जी सर। हाँ बिल्कुल सर बेनिफिट हुआ समझ में आ रहा था सर। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन सब एक बार और दिए थे सर तो उस समय क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था और ये ऑनलाइन पहली बार दिए थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा मतलब हो रहा था मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था है? हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में। लेकिन सर अच्छा, फायदा हुआ सर आपके क्लास पढ़ने से। ये आपका परसेंटेज आया लेकिन लाभ हानि में नहीं आया क्या कुछ? नहीं सर प्रॉफिट लाभ हुआ? हानि नहीं था। लाभ हानि नहीं था सर। अच्छा, परसेंटेज लाभ हानि नहीं था सर। पूछा था, जी सर। हाँ परसेंटेज था अनुपात था सर। अनुपात भी आया था। जी सर। हाँ अच्छा ये बताओ, जी सर। एक चीज पूछना है मुझे आपसे कि जी सर पूछिए। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर गए होंगे जी सर। तो कितने बच्चे उपस्थित हुए थे? मतलब आपके अंदाज से 50% क्या कैसा था? नहीं सभी लोग उपस्थित थे क्या? जी सर 50% से ज्यादा ही बच्चे उपस्थित थे सर। अच्छा, 50% से अधिक लोग जो है उपस्थित हो रहे हैं। जी सर। हाँ हमारे सेंटर पे तो भीड़ था बहुत भीड़ था सर। लगभग लोग आए थे मतलब। जी सर उसी में अंशु का भी सर सेंटर था लेकिन अंशु जा ही नहीं पाई है बारिश की वजह से। हाँ वही बोल रहा हूँ, बारिश की वजह से जैसे अंशु गुप्ता नहीं जा पाई तो जी वैसे ही बहुत सारे बच्चे नहीं गए होंगे क्या, ये पूछना। जी सर। हाँ, हो सकता है सर। ऐसे भी हमारे अगल बगल में तो अभी बहुत सारा सीट खाली ही था। खाली था? जी सर। हाँ खाली था। ऐसे भी एक को गैप करके बैठाया गया था फिर भी और भी बहुत खाली था। खाली था मतलब जी सर। हाँ जैसे जितना संख्या में बैठना चाहिए तो उतने संख्या में नहीं बैठे। नहीं उतने संख्या में नहीं बैठे हुए थे। ये हमको लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से और ये बारिश तो 3 दिन से लगातार हो रही है सर। अरे 3 दिन से लगातार इधर बारिश हो रही है। हम लोग बारिश में ही भीगते गए भीगते आए सर। अभी घर पहुंचे हैं। काहे में गए थे? बाइक में? बाइक से गए थे सर। बाइक से? अच्छा, जी सर। कितना दूर? सर यहाँ से 4 घंटा लगता है सर। 4 घंटा बाइक में गए हो? जी सर। हाँ कितने बजे सुबह निकले थे? 4 बजे सर। 4 बजे सुबह आप लोग निकले हो जी तो कितने बजे पहुंचे? सर 8-8 से कम ही हो रहा था। 7:30 बजे पहुंच गए हैं लोग। इधर से थोड़ा ट्रैफिक नहीं था
तो इधर से बाइक भैया तेज चला रहे थे, तो इधर से लगभग 3.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं, और उधर से ट्रैफिक मिल गया है और बहुत तेज बारिश होने लगा है, तो इसकी वजह से थोड़े से धीरे धीरे आए लोग, तो अभी पहुंचे हैं बस। अरे इतना दूर है, 4 घंटा मतलब क्या 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर? जी सर, जी सर, जी जी सर, 150 किलोमीटर के आसपास होगा वो। जी सर हाँ है, यहाँ से बहुत दूर है सर, बहुत देहात में हमारा घर पड़ता है सर, यहाँ से बहुत दूर है पटना, छपरा भी दूरी है यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। तो छपरा सेंटर नहीं था? नहीं सर, छपरा सेंटर नहीं देता है, यहाँ ऑनलाइन की सुविधा इधर नहीं है सर, पटना ही फर्स्ट सेंटर दिए हुए थे। अच्छा, पटना सेंटर था? जी सर। पटना, पटना में भी आपका बहुत दूर में होगा वो, आउट एरिया? हाँ सर, आउट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, आईटी जोन तो एक था, उधर ही था पीएन मॉल, पीएम मॉल एक पड़ता है पास में, फुर्जी के तरफ उधर ही था। एक बात बताओ जी सर, ईमानदारी से, यदि अच्छे ढंग से पढ़ेगा फर्स्ट पेपर जी सर, तो कितना क्वेश्चन बना लेगा? सर अच्छे से तो पढ़ेंगे तो सर, अभी तो सर नहीं बोल सकते, अभी तो ज्यादा नहीं बनाए हैं सर, सही बता रहे हैं सर। आप नहीं बनाए हो, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ पढ़ते हो जी सर, मान लीजिए अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे जी सर, तो हमारे क्लास से जो बेनिफिट होगा जी, वो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा बच्चा जो है सर? वो तो 50 कर लेगा सर, 50 का 50 कर लेगा जी सर, हाँ 50 से 50 कर लेगा जय, क्योंकि आप पढ़ाते हैं जितना पढ़ाते हैं, हम तो बहुत कम क्लास किए हुए हैं, पहले हमको पता ही नहीं था, तो सर हमको लगता है कि 50 सर बना लेगा, जो रेगुलर अगर पढ़ रहा है, बहुत दिन से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इसमें आप सर गाइड कर रहे हैं उसको। हम सर आपसे बात करने के लिए बहुत बार सोचे, लेकिन अंशु बोल रही थी सर बहुत व्यस्त रहते हैं तो इसलिए नहीं सर फोन बात करते थे। नहीं कोई बात नहीं, मतलब 50 क्वेश्चन में से 50 बना लेगा जी सर? हाँ बिल्कुल बना लेगा सर, उतना मतलब डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं था, जैसे आप पढ़ाते हैं तो उसमें भी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है अनअकैडमी वाला 9 बजे से पढ़ाते हैं सर, हाँ। तो उसमें तो उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाते ही हैं। अच्छा जी सर हाँ, वाह क्या बात है, चलिए हम तैयारी करिए बढ़िया सा जी सर हाँ बिल्कुल सर, फिर से पढ़ना शुरू करेंगे सर। सर सुनिए ना सर, सेकंड पेपर की सर तैयारी के लिए सर आपसे हम सर बहुत बार सोचे कि बात करेंगे सर, सेकंड पेपर की तैयारी सर करना, सेकंड पेपर में बहुत डिफिकल्ट। संस्कृत? नहीं सर, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी था जी सर हाँ। अरे बाप रे, मनोविज्ञान? जी सर मनोविज्ञान, बहुत डिफिकल्ट सर सेकंड पेपर में क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन। वो तो शब्दावली ऐसे ही है, कठिन है जी सर। हाँ, मनोविज्ञान के, मनोविज्ञान में भी तो रिसर्च आया होगा जी सर? हाँ रिसर्च था उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी से भी था। हाँ नहीं नहीं, आपका साइकोलॉजी में भी रिसर्च का आता है ना क्वेश्चन? जी हाँ, रिसर्च से फर्स्ट पेपर में भी आया था सर, फर्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, मनोविज्ञान में भी सेकंड पेपर में भी रिसर्च का आता है जी सर। हाँ था सर, वो तो टीचिंग भी आता है जी सर, था कुछ 1-2 क्वेश्चन सर, वो ज्यादा सिद्धांत पे आधारित सर क्वेश्चन था, और वो तर्क वाला जो क्वेश्चन होता है ना सर, सबसे ज्यादा तर्क आधारित क्वेश्चन था सर, कथन और तर्क जी सर हाँ, है ना, जिसमें लगता है सर कि नहीं सब सही है, देखने पर लगता है कि नहीं ये भी सही है। और फर्स्ट पेपर में सर आप पढ़ाए हुए था क्या है कि, हालांकि मैंने वीडियो बना लिया जी सर जी, तो वो अंशु ने बताया कि वो गई है सर के एग्जाम देने जी सर, उनसे सुबह बात हुआ था बोले जी, ठीक है, तो हमने कान के लगा रहे थे तो आपका स्विच ऑफ था जी सर। हाँ हम एग्जाम में बंद करके फोन दे दिए थे भैया को, एग्जाम में बाहर मतलब सब लोग रखवा रहे थे तो हम दे दिए, फिर अंदर गए थे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, जो भी है ठीक है बेटा, है ना जी सर? जी सर हम सिर्फ बैठ कर ये तो समझ पाए ना सर कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत।